हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कनाडा विश्व वीज़ा होल्डर के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। 1 अप्रैल से नए रूल जो हैं इंप्लीमेंट जो हो रहे हैं वो क्या है उसके बारे में वीडियो रहेगी। सो स्टार्टिंग में मेरी एडवाइस है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जो है टाइमली आता रहे। सो इम्पॉर्टेंट है ये विस्टर वीज़ा होल्डर्स के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से एक रूल इंप्लीमेंट किया था कि विस्टर जो ऑन शोर है कनाडा में है वो उस वहाँ से ही कंट्री छोड़े बिना वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वीज़ा को। तो वो रूल ख़त्म हो रहा था, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक्सटेंशन की न्यूज़ आप क्लियरली इस पेज पे देख सकते हैं, IRCC का ऑफिशियल वेब पेज है। सो 29th of March की ओटवा की ये अपडेट है। सो इसमें जो पॉलिसी में चेंज किए हैं, जो मुझे क्लियर लिखा था कि 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो अभी 1 अप्रैल से भी आप लगाना अगर कंटिन्यू करते हैं तो 31 अगस्त तक ये रूल रहेगा। आप वहाँ पे रहते हुए अपना जो वीज़ा है जिसको विजिटर वीज़ा बोलते हैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा। मीन टू से आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। यहाँ पे कई क्वेश्चन आते हैं कि क्या नॉर्मल जॉब ऑफ़र एक लेटर हेड लगा के लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली अगर मेंशन करें तो यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एप्लीकेंट लुकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी मस्ट हैव अ वैलिड स्टेटस। मीन टू से आप इलीगल नहीं होने चाहिए वहाँ पे कनाडा में आप वैलिड स्टेटस के ऊपर रह रहे हैं, आपके पास जॉब ऑफर है। और जॉब ऑफर की बात करते हैं तो लेबर मार्केट जो इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, लिमिया जिसको बोल देते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। जहाँ ये वेव ऑफ कैटेगरी, कुछ लिमिटेड कैटेगरी होती है जहाँ वेव ऑफ होती है, नहीं तो अदरवाइज जो भी जहाँ से एप्लीकेंट गए हैं वहाँ पे जो जाने वाले हैं जब भी जाएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उनको LIMA लेनी पड़ेगी, लिमिया पहले गेन करनी पड़ेगी, तभी इस कैटेगरी के अंदर वो अपनी फाइल जो है वो सबमिट कर पाएंगे। और वहाँ पहले क्या था, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, पहले था कि आप वहाँ जाते थे एप्लीकेशन लगाते थे लेकिन वीज़ा को इफेक्ट में लाने के लिए जब ग्रांट हो जाता था आपको कंट्री छोड़नी पड़ती थी। अब क्या है, जैसे आपने अप्लाई किया आप उस कैटेगरी के अंदर काम भी स्टार्ट कर सकते हैं बिना अपने रिजल्ट की वेट किए। तो मीन टू से अगर वीज़ा आ गया तो आप कन्वर्ट करवा लोगे, अदरवाइज आपका स्टेटस इम्प्लाइड में चला जाएगा। तो मीन टू से जैसे आप अप्लाई करोगे आप एलिजिबल होंगे कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये इम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट रहेगा। मीन टू से जिसने आपको LMA दिए हैं आप उसी के पास जॉब करेंगे। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको नए सिरे से अपना इम्प्लीमेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नए सिरे से वीज़ा अप्लाई या IRCC को अपडेट करना पड़ेगा कि आपने एम्प्लॉयर जो है वो चेंज कर लिया है। तो अभी तक 1000 विजिटर इस चीज़ का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे कि आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट करेगी, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी लोग पूछते हैं कि वहाँ जाके हमने कन्वर्ट करना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले नहीं थी लेकिन कोविड के टाइम में शुरू हुई और कब तक रहेगी, 31 अगस्त तक। फर्दर डिटेल के लिए, क्योंकि और भी अपडेट आती रहेगी, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और जो भी विस्टर को लेके या अगले रूल्स बायोमेट्रिक को लेके कोई भी अपडेट आएगी इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।